किसानों से जुड़े और कॉपरेटिव से जुड़े। तो परसों अपने आज से दो दिन पहले अनुराग ठाकुर जी आए थे बजट के चर्चा के लिए, तो मैंने उनके सामने दो इशू रखे। एक इशू था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र जी मोदी चाह रहे हैं कि किसानों की इनकम डबल हो और इनको किसान निधि भी पैसा दे रहे हैं, जो हर किसान को, गरीब किसान को दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं किसानों को। तो मेरा उनसे एक कहना था अनुराग ठाकुर जी से कि अगर आप किसानों के लिए यही कर रहे हो तो कम से कम किसान जो इम्प्लीमेंट लेता है एग्रीकल्चर के लिए, जैसे हल वगैरह लेता है, कई वगैरह लेता है, कम से कम उसके ऊपर तो जीएसटी माफ करो। कि ऐसा है कि किसान के किसी भी जेल के ऊपर जितनी उसकी इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, तो फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इम्प्लीमेंट है उसके ऊपर जीएसटी क्यों? तो उन्होंने मुझे एक दूसरा इशू था कॉपरेटिव का, अमित शाह जी का पूरा ध्यान है, माने और अमित शाह जी के पास कॉपरेटिव का मंत्रालय है, तो उनका पूरा ध्यान है कि कॉपरेटिव को रिवाइव किया जाए। तो मैंने उनके नोटिस में एक चीज लाई कि जब बीपी सिंह जी मार्च 1989 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, उससे पहले उन्होंने एक नारा दिया था, उनका मैनिफेस्टो था कि किसानों के 10,000 रुपए के कर्जे माफ करें। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने 89 में मार्च में, तो कर्जे माफ जरूर किए उन्होंने, लेकिन कर्जे माफ किए 3686 का, 1986 था, 6 महीने था, और लास्ट सीजन का, जैसे अब रबी क्रॉप का भी सीजन चल रहा है, ऐसे उस समय भी रबी क्रॉप का सीजन था 86 और 87 का। उस समय जो रबी क्रॉप का लोगों ने लोन लिया था, 376 सोसाइटियां जम्मू प्रोविंस के अंदर, मल्टी पर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि कहीं कहीं जगह विलेज लेवल पर एक सोसाइटी है, कहीं जगह पंचायत लेवल पर सोसाइटी थी, तो जो उसका जो लोगों ने लोन लिया था रबी क्रॉप का, वो तो लोगों को मिला नहीं, लेकिन फायदा किन लोगों को हुआ जिन्होंने कभी लोन लिया था और वापस नहीं देते थे, और जो बेचारे रूटीन में कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते थे, हर 6 महीने बाद लोन देना, फिर रबी क्रॉप का दिया वापस, रबी का ले लिया, खरीफ का दिया तो आगे रबी का ले लिया, लेन देन जो करते थे बेचारे वो सारे के सारे डिफॉल्टर हो गए। जब एक किसान एक सोसाइटी का डिफॉल्टर हो गया, अभी नई सोसाइटी जब बनानी होगी तो उसके लिए उसको एनओसी चाहिए, तो जब अनुराग ठाकुर जी ने कहा यह मसला ये, तो ये भी ठीक है, तो क्योंकि जितने भी किसान है 376 कोऑपरेटिव सोसाइटी है जम्मू प्रोविंस के अंदर, सारी की सारी बंद पड़ी हुई है। किस कारण बंद पड़ी है? जब बीपी सिंह ने वो नारा दिया था और कर्जे माफी का उन्होंने इफेक्ट दे दिया पीछे तक, और 86-87 जो रबी क्रॉप का था वो उन्होंने दिया नहीं, इस कारण जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो गई उसकी वजह से ये भी बंद हो गया, हमारा जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी खत्म हो गया, एफसी अपने जैक फेड वो भी खत्म हो गई, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू जितने किसानों की जेल निकली थी, चाहे पैडी हो चाहे वीट हो, वो प्रिक्योर करती थी और थ्रू एफसीआई, थ्रू अपने क्या नाम है जैक फेड, एफसीआई को सप्लाई होती थी। जब किसान डिफॉल्टर हो गए, सोसाइटियां बंद हो गई, लोगों की जेल भी ऐसे जाने लगी, व्यापारी लोग मनमर्जी अपना रेट लगा के खरीदते थे, उसके बाद मंडियां तब खुली जब 2008 में हमारी बीजेपी के एमएलए चुनके गए, जब मैं एमएलए चुनके गया मुझे इस चीज की नॉलेज थी, तब जाके मैंने मंडियां खुलवाई थी 2008 में, यानी 25 साल तक व्यापारी लोग किसानों को लूटते रहे। और अब अमित शाह जी का ये कहना है कि कॉपरेटिव को रिवाइव करेंगे, तो फिर मैं मेमोरेंडम बना के लेके गया मेमोरेंडम अमित शाह जी के नाम के ऊपर, लेकिन वो उस दिन त्रिपुरा में थे परसों, तो उनसे मिल नहीं सके, लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने अपना रिसीव किया मेरा मेमोरेंडम, और उनसे उन्होंने बात भी की, और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि किसानों का जो कॉपरेटिव का लोन है, इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट बनता है वो बनता है 19,376 करोड़ सोसाइटी का, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो है 30 करोड़, हालांकि वो 30 करोड़ वो भी कितना पीरियड है 87 से लेकर आज तक, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता कॉपरेटिव में एक चीज है, प्रिंसिपल एक साइड रहता है, सिंपल इंटरेस्ट एक साइड रहता है, अगर वो इसमें ऐड होता प्रिंसिपल के अंदर तो शायद 1,000 रुपए ऊपर भी क्रॉस कर जाता, तो किसान बेचारे गरीब किसान तो वो दे नहीं सकते, इसलिए कॉपरेटिव का किसी दूसरी सोसाइटी का वो मेंबर नहीं बन सकते। तो मेरा उनसे यही कहना है, तो फिर आपके माध्यम से फिर उन्होंने मेरा वो मेमोरेंडम अनुराग ठाकुर जी ने ले लिया, और उनसे अनुराग अमित शाह जी से बात की, और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया और मुझे पूरा विश्वास दिलाया उन्होंने कि किसानों का ये कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, और जो जीएसटी है जो इम्प्लीमेंट के ऊपर उसका तो अभी उन्होंने वैसे इंश्योर नहीं किया, लेकिन कर्जे माफी वाला उन्होंने पूरा का पूरा मुझे इंश्योर किया कि ये किसानों का ये काम पूरा किया जाएगा। और आपके माध्यम से फिर मैं अमित शाह जी से अपील करता हूँ कि अगर किसानों को, अगर आपने कॉपरेटिव को रिवाइव करना है, तो किसानों के ये वाले कर्जे जो पुराने कर्जे हैं आज से 30 साल पहले वाले, 40 साल पहले वाले, वो वाले माफ किए जाएं, और ये सेंटर के इतनी बड़ी है वो अमाउंट भी नहीं, 19 करोड़ छोटा सा अमाउंट है। तो दूसरा, अगर ये किसानों की अगर इनकम, जैसे मोदी जी उनकी इनकम के पीछे लगे, किसानों की इनकम बढ़ाई जाए, किसान निधि भी हमें मिल रही है, मैं खुद किसान हूं
और इस मेरा ये कहना है कि अगर मेरी झील के ऊपर मुझे कोई इनकम टैक्स नहीं लगता तो जीएसटी भी माफ किया जाए। लेकिन जब भी किसान को कृषि करने के लिए जो उपकरण खरीदने पड़ते हैं जहाँ पर उनको 40% जो है वो हर उपकरण पे जीएसटी लगाना पड़ता है, तो जब उपकरण पे अगर ये छूट नहीं मिलेगी तो आय किस तरह से डबल होगा? यही तो मैं लेके गया था। तो ऐसा नहीं है कि अभी 6,000 रुपया पर ईयर अगर छोटे किसानों को अगर मोदी जी दे रहे हैं, हमारे झील के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, इसलिए मेरा उनसे ये चीज आज तक उनके किसी नोटिस में किसी ने लाई नहीं होगी। तो मैंने यही चीज उनके नोटिस में लाई कि आप उनका ये जीएसटी अगर हो सके तो जीएसटी किसानों के लिए इम्प्लीमेंट है, जितने भी उनके औजार हम खरीदते हैं उसके ऊपर जीएसटी माफ किया।